भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शहर कांग्रेस सेवा दल ने स्टेशन रोड स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉ. श्री गोपाल बाहेती, पूर्व महापौर कमल बाकोलिया, सेवा दल जिला मुख्य संगठक शैलेन्द्र अग्रवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष कैलाश छालीवाल, प्रताप यादव, कुलदीप कपूर और महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान ने उपस्थित कांग्रेसजनों व सेवा दल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए इस आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सभी पदाधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के शहीदों की जय हो, देश के स्वतंत्रता सेनानी जिंदाबाद, भारत माता की जय सहित कई देशभक्ति के नारे लगाकर शहीद स्मारक को गुंजायमान कर दिया। शहीदों को नमन करते हुए हमारे सेवा दल ने, जो कांग्रेस का अग्रिम संगठन सेवा दल और सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर यहाँ शहीदों को नमन किया है। और जो सन 1945 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को, जिन शहीदों ने अब अंग्रेजों को यहाँ से भारत से भगाया और भारत को आज़ादी दिलाई और जो लोग शहीद हो गए, उन सबको हम शत शत नमन करते हैं और यही कामना करते हैं कि इस तरह देश में एकजुटता रहे और सभी उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। याद अज्ञात शहीदों के नाम पर पूरे देश में शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है और हम हमारे आज़ादी के संघर्ष में जो लोग शहीद हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी और इस बात का निर्णय लिया था कि हम जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हम न चैन से रहेंगे न चैन से रहने देंगे, और आज शहीद स्मारक पर ये कार्यक्रम है। देश को आज़ादी दिलाने में जिन शहीदों की, जिन स्वतंत्रता सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, यही कारण है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। परंतु आज कुछ सांप्रदायिक शक्तियां पुनः अपने वोट बैंक की खातिर इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज कांग्रेस दल द्वारा हमने शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया है, शहीदों को नमन किया है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के सरकारी वाहनों पर लगी लाल बत्ती को हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया। आप पार्टी के रियाज अहमद मंसूरी और जयशी के नेतृत्व में पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने हालांकि गांधीगिरी करते हुए प्रशासन से लाल बत्ती हटाने का अनुरोध किया। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आप पार्टी के द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर साहब के पास आए, एक नम्र निवेदन लेके आए हैं और फ्लावर भी लेके आए हैं कि जो कलेक्टर साहब, महापौर सर और हमारे एडी अध्यक्ष जी और हमारे जिला प्रमुख जी जो लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं गाड़ी पे, वो नियमानुसार उनके नियमों के तहत नहीं आती है। तो हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि जो चीज़ नियमों में नहीं है और कानून में नहीं है, कानून का सम्मान करके उसको हटाए, लाल बत्ती का मोह छोड़िए, पब्लिक की सेवा कीजिए। हम गांधीगिरी से उनको ये आग्रह करने आए हैं। कलेक्टर साहब को, SP साहब को, AD अध्यक्ष महोदय को, नगर निगम के महापौर महोदय को बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, गुलाब का फूल देके, कि आपने जो लाल बत्ती लगा रखी है इसका मोह भंग करिए। लाल बत्ती लगाने से काम नहीं होगा, जनता के बीच में आइए, जनता की समस्या सुनिए, जो कानून बना उस कानून का सम्मान रूप से आप उसका सम्मान कीजिए। अगर आप सम्मान कर पाएंगे तो आम जनता उसका सम्मान करेगी। अगर आप बड़े बड़े पद पर बैठे हुए भी सम्मान नहीं कर सकते हैं तो शायद ये जनता में गलत मैसेज आएगा।